हाई डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस इंटेलिजेंसर इंस्टीट्यूट माई सेल्फ डॉक्टर ठीक तो हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रो स्टैटिकेटर प्रेसिपिटेटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है पहला है कि कोरोना प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन स yes, जब थाउजेंड्स ऑफ ओल्ट जो है आ, हम लोग ओल्टेज डेवलप करते हैं तो जो करोना होता है वो इलेक्ट्रॉन वो वाला कोरोना नहीं है जो आज कल चल रहा है ठीक है न ये कॉरोना जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग पार्टिकल ठीक है ना सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड सो इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट चार्ज डस्ट पार्टिकल इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो है इस तरीके से प्लेट लगी होती हैं और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती हैं और यहाँ पे कोरोना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन इससे कंबाइंड होते हैं डस्ट पार्टिकल ये डस्ट पार्टिकल कंबाइंड हुए वेरी स्लो स्पीड होनी चाहिए जब ब्लास्टी जो है यहाँ से जब पास हो तो स्लो हो तो ये निगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन हो जाता है ठीक है ना अट्रैक्शन हो जाता है इससे फ्रेश एयर बाहर निकलती है क्लियर है तो सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन दी प्लेट्स मस्ट बी लो यस वेरी स्लो होनी चाहिए क्योंकि फास्ट होगी तो बहुत सारे पार्टिकल निकल भी सकते हैं ठीक है ना इलेक्ट्रोड्स वायर डाट आरटेन थाउजेंड्स ऑफ ओल्ट होता है मोटर व्हीकल्स विदिटिकुड बी अनलिटेड पेट्रोल बिकॉज क्योंकि आप जाएंगे कभी भी एंटी नॉकिंग एजेंट होता है लेट जो है ये क्या करता है डिएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को जो कैटलिस्ट होते हैं वो कैटलिटिक uh, कन्वर्टर बने होते हैं पी के प्लेटिनम प्लेडियम रोडियम के ठीक है ना पहला है कि लेड द कैटलिस्ट एक्टिव दिन डी एक्टिवेट दिन ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें मैचिंग ठीक है ना बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सही है जे एफ एम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सही है डी यू डॉपन यूनिट होती है डिग्री ऑफ अनसेशन कह रहा है गलत है फोम फ्रेंड्स ऑफ अरगा मार्श यानी थर्ड ऑप्शन बेटा इसका मिसमैच है क्वेश्चन नंबर फोर देखें हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डीडी टी इन अगर कंसंट्रेशन अगर डीडीटी का होगा डीडीटी का अफेक्ट किस पे होता है बेटा एक पे होता है ठीक है ना एक जो होते हैं उसकी थिनिंग करा देता है जब एक की थिनिंग होने लगेगी तो एक थिन हो जाएंगी तो वो प्री मेच्योर यानी मेच्योर होने से पहले ब्रेक हो जाएंगे जब ब्रेक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है और उनके बच्चे डेवलप नहीं होंगे तो उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी बर्ड्स जो पहले आपको दिखती थी आज वो सब नहीं दिख रही हैं क्रो की पॉपुलेशन कम हो रही है गौरैया की पॉपुलेशन कम हो रही है ठीक है ना तो बर्ड्स की पॉपुलेशन जो होती है वो कम होने लगती है क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग पहला है थर्मल वेस्ट वाटर एलिमेंट्स और रिड्यूसेस दी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर जैसे मान लीजिए कोई इफ्लुएंट इंडस्ट्रीज का जो है रिवर में जा रहा है तो जिस जगह वो इफ्लुएंट जाएगा बहुत थर्मल वो है इंडस्ट्रीज़ है जैसे आप मान लीजिए लोहे की इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो है सरिया और बनती है जो है आयरन रॉड बनती है आयरन की तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है हम लोग उसको कूल करते हैं तो वो वाटर जब हॉट हो जाता है हम लोग अगर उसको डायरेक्टली छोड़ देंगे रिवर के अंदर तो जो भी वहाँ के ऑर्गेनिज़म होंगे वो वहाँ से मूव कर जाएंगे दूसरे एरिया में यानी उस एरिया में पापुलेशन कम हो जाएगी दूसरे एरिया में कोल्डर एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी ठीक सेकंड देखते हैं बी इन यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग लिटिल लाइफ यस यंग लेक है क्लियर वाटर होगा कोल्ड होगा सपोर्टिंग लिटिल लाइफ ठीक है ना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं डी टी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबलिज्म इन बर्ड्स विच कांगशल एंड देयर प्रीमे ब्रेकिंग इवेंचुअली कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन सही है टेर ऑफ बंगाल ग्रोस अबेंटलीफिक वाटर बॉडीज ठीक है ना बेटा तो इसमें जो भी ऑप्शन है सारे के सारे सही है क्वेश्चन नंबर सिक्स की हम लोग बात करते हैं कह रहा है कि सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग ठीक है पहला यूज ऑफ इंसिनरेटर इंसिनरेटर जो होती है बेटा एक राख करने वाला यंत्र ठीक है ना जला के राख कर दे किसी चीज को इज क्रूशियल टू द डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट यस हॉस्टल वेस्ट जो होते हैं हम लोग उसको डाल देते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ठीक है ना बी कह रहा है कि रिसाइकलिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग रिसाइकल भी करते हैं जो पार्टिकल होते हैं ठीक सी uh, कह रहा है फिश ईटिंग बर्ड्स कंटेनिंग टू पी नहीं ट्वेंटी फाइव होता है पॉली ब्लेंड इज अ फाइन पाउडर ऑफ पॉली ब्लेंड जो है uh, पाउडर uh, जो है बेटा वो पॉलीथीन का है ठीक है ना उसको मिक्स करते हैं विटामिन के साथ यानी ए और बी ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे बेटा दो इन करेक्ट हो गए क्वेश्चन नंबर सेवन देखें हु प्रिपेर पॉलीब्लेंड पॉलीब्लेंड जो प्रिपरेशन किया था बेटा वो अहमद खान साहब ने किया था ठीक है बेटा तो अहमद खान होगा अहमद खान सत्तावन साल के थे बेटा बंगलौर की बात है सत्तावन साल के थे बीस साल से ये काम कर रहे थे आठ साल पहले उन्होंने सोचा कि जो पॉलीथीन है बहुत ख़तरनाक है उन्होंने क्या किया जो है वो पॉलीथीन जो थी 0.4 पर केजी से जो है बिक रही थी मार्केट में उन्होंने ऑफर किया हम छः रुपये प्रति केजी खरीदेंगे ठीक है ना उसके बाद उन्होंने सन दो हज़ार दो में मोर देन चालीस किलोमीटर की रोड बनवाई और उसकी कैपेसिटी जो है थ्री टाइम्स यानी उसकी जो लाइफ स्पान था वो थ्री टाइम्स बढ़ गया था ठीक है तो ये आप आ, याद रख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट देखें विच ऑफ दीज इज आर ट्रू विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट ठीक है इट कॉसेस म्यूटेशंस एट वेरी हाई रेट शुरुआत में तो लोगों को नहीं लगा लेकिन बाद में लोगों को रिलाइज हुआ कि ये बहुत हाई रेट से करा रहा है हाई डोज ऑफ द रेडिएशंस इज लीथल यस डेथ हो सकती है लो डोज कॉसेस डिसीज लाइक स्किन कैंसर डेवलप हो जाता है तो आर ऑफ होगा बेटा ग्लोबल फोर्टीन परसेंट होता है और एन टू सिक्स परसेंट होता है तो ये टोटल आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर यूनिट ठीक है ना डी यू से हम लोग मेजर करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर एलेवन देखें बैड ओजोन इज इन बैड ओजोन जो पाई जाती है बेटा ट्रोफोस्फेयर में पाई जाती है गुड ओजोन एस्टेटोयर में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखें ओजोन डिग्रेडेशन इज डन बाय ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है बेटा इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं फिर रेडिकल रिएक्शन होती है फिर रेडिकल रिएक्शन जो होती है ये ओजोन लोअर ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है क्लियर है तो आ, आ, जो है क्वेश्चन नंबर अब थर्ड यानी सेकंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात करें इन विच ईयर डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ द ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ठीक है मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ एक सिंपल सी ट्रिक है इससे आप याद रखिएगा आप याद रखिएगा बेटा मोबाइल नंबर चौहत्तर अस्सी इक्यासी छियासी सतासी अट्ठासी आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा बहुत सारे मोबाइल नंबर आपको याद होंगे मैं उम्मीद करता हूँ तो आप एक ये भी मोबाइल नंबर याद रखिएगा जिससे आसानी हो आपको जो है चीज़ों को याद करने में अगर ये आपको याद है तो आपका ऐसे ही जो है करेक्ट हो सकता है आंसर ठीक है आप ऑप्शन काट सकते हैं जैसे इसमें देखिए नाइन्टी कहीं नहीं आया तो ऑप्शन में नाइन्टी दिया हुआ है तो वो ऑप्शन होगा नहीं सेवेंटी कहीं नहीं आया तो वो दो ऑप्शन आपके कट गए बेटा सेवेंटी फोर नाइन्टी एट बचा है तो हम लोग याद कर लेते हैं याद रखिएगा वकार वकार जाओ हवा को किसको बेटा हवा को इधर मोड़ कर मोड़ कर निकालो ठीक है ना वकार डब्ल्यू से नहीं, वकार यानी वाटर एक्ट कौन सा एक्ट बेटा वाटर एक्ट एंड चिपको मूवमेंट 1974 में हुआ सब 90s की बात 1974 जाओ यानी जे एफ एम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट नाइनटीन में हुआ हवा यानी एयर एक्ट 1981 में हुआ इधर यानी इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 में हुआ मोड़ के यानी मोस्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हो निकाल यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 88 में हुआ तो आप ऐसे सारा डाटा याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा मैं आउट कर दे रहा हूं अभी से ठीक है ना तो इसमें बेटा 1980 होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर की बात करें चिपको मोमेंट देख लीजिए चिपको मोमेंट पूछा गया है, है घरवाल ठीक है कौन सी थी बेटा ठीक है फोर्टीन का यानी ठीक है बेटा तो क्या होगा ऑप्शन इसका घरवाल और जो है नाइनटीन सेवेंटी फोर में हुआ था ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखें अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन इन द द ट्रॉपिक्स टू ओनली टेम्परेट रीजन क्लियर है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बहुत ऐसे ही आ सकता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखें सॉयल इरोजन अकर विकास ओवर कल्टीवेशन हो जाए ठीक है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हम लोग कराएं ठीक है डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर इरीगेशन प्रैक्टिसेस यस ऑफ दी एब होगा बेटा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखें डिजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम नाउ अडेज मेनली ड्यू टू डिजर्टिफिकेशन क्यों हो रहा है यानी जितने भी फॉरेस्ट हैं सारे के सारे लैंड में कन्वर्ट हो रहे हैं हाउस जो है उन पे डेवलप हो रहे हैं अर्बनाइजेशन हो रहा है घर बन रहे हैं लोगों की आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं हम, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग प्लांट को ही कट कर रहे हैं ठीक है ना इंक्रीज अर्बनाइजेशन ठीक क्वेश्चन नंबर एटीन देखें अकॉर्डिंग टू यूरो नॉर्म्स द लेवल ऑफ सल्फर इन डीजल एंड पेट्रोल शुड बी लेस देन फिफ्टी पीपीएम होना चाहिए बेटा ठीक है नाइनटीन देखें विच ऑफ करेक्ट फॉर सीवेज डिस्चार्ज इन अ रिवर जब डिस्चार्ज uh, होगा सीवेज रिवर में तो क्या होगा एट द डिस्चार्ज पॉइंट एट द डिस्चार्ज पॉइंट बीओडी इज हाई एंड फिश डाई ठीक एट दिस्चार्ज बी ओ डी एट डिस्चार्ज डी ओ इज हाई नो बी ओ डी डाउन इन स्ट्रीम गलत बी कम होगा क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पानी का फ्लो जाता रहेगा दूर तक वैसे वैसे जो भी पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक मैटर वो सेटल डाउन होते रहेंगे यानी हमें बहुत ज़्यादा दूरी जाने के बाद क्लियर वाटर मिलेगा अगर क्लियर वाटर मिल रहा है जाहिर सी बात है पॉल्यूशन क्या होगा कम होगा अगर पॉल्यूशन कम है तो जाहिर सी बात हम लोग कहेंगे कि जो है बी क्या होगा उसका फिर कम होगा क्योंकि बी ओ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोल्यूटिंग वाटर ठीक है वाटर पॉल्यूशन यानी इसमें बेटा पहला ही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखें ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सस्टेंट वॉज अडेप्टेड बाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था बेटा 1987 में क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20 देखें विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ द टू आउट ऑफ टोटल फोर ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बताया था बेटा सीओ टू सिक्सटी परसेंट होती है मेथेन ट्वेंटी परसेंट होती है सी एफ सी फोर्टीन परसेंट होती है इन टू सिक्स परसेंट होती है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा थर्ड मैच कर रहा है 23 अगर हम लोग देखें अलेख अगर कोई ऑप्शन बेटा अगर पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेनली कौन सी गैस होती है तो आप सीओ टू और मेथेन को लगाइएगा अगर इसमें से एक पूछ रहा है तो आप सीओ टू को लगाइएगा अलेख नियर विलेज ठीक और ग्रीन हाउस क्रॉप याद रखिएगा टोमेटोज एंड बेल पेपर ठीक है अलेख नियर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे आते हैं A lake near a village suffered heavy mortality of fish within a few days. Uh, consider the following uh, reason for this: lots of the urea and phosphates fertilizers were used in the crops in the uh, vicinity. In the vicinity, uh, the area was sprayed with DDT by uh, an aircraft. No, lake water turned green and stinky. Yes. यानी ए और आ, जो है सी विच द दब मेन कॉज ऑफ़ द मोटिलिटी इन द लेक तो और फाइटोपलिंगटन पॉपुलेशन द लेक डिक्लाइन इनिशियली बाई गंग दोटो सिंथेसिस नहीं यानी ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे मान लीजिए ये जो है हमारी फील्ड है इस फील्ड में मैंने जो है और यहीं से मेरे आसपास से जो है एक रिवर का फ्लो है ठीक है इस फील्ड में मैं जो भी फसल उगाऊंगा, इसमें मैं जो है यूरिया का छिड़काव करूंगा और बारिश जब हो जाएगी तो यही वाटर जो है आ जाएगा रिवर के अंदर इस रिवर में बेटा फिशेस हमें मिलेंगी और यही फिशज़ और फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे फ़ाइटो भी लेंगे और या जो भी वाटर आएगा अनपल्यूटेड वाटर यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा जो भी फाइटो होंगे स्मॉल प्लांट इनको ये फिशेस खाएंगी तो जाहिर सी बात है ये अफेक्ट हो जाएंगी ठीक है इससे ह्यूमन के ऊपर भी बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है और इन्हीं फिशेस का शिकार जो है लाज बढ़ करती हैं तो उन पर अफेक्ट आएगा ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें देखिए अफेक्ट हो रही हैं इससे क्लियर है हम लोग ऑप्शन अगर देखें बेटा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखें अगर हम लोग इन विच वन ऑफ दी फॉलोइंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड असेंडिंग ऑर्डर ठीक है हम लोगों को बीओडी बताना है ठीक है ना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बेटा सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें यानी बी अगर ज्यादा है तो पोल्यूशन ज्यादा ठीक तो सबसे ज्यादा होगा बेटा डिस्टिलरी इफ्लुएंट का ठीक है उसके बाद जो है शुगर देन आ, देन जो है सीवेज का होगा बेटा देन पेपर आ, मिल इफ्लुएंट का होगा ठीक है ना यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का सेकेंड ऑप्शन होगा ठीक है ट्वेंटी uh, फाइव देखते हैं द लिमिट ऑफ बी इज प्रिस्क्राइब बाई सी पी सी बी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द डिस्चार्ज इंडस्ट्रीज एंड मिनिमल वेस्ट वाटर इन टू द वाटर बॉडीज तो उसका जो बी ओडी होना चाहिए वो लेस दैन टेन पी पी एम यानी अप्रोक्सीमेट सेवन पी पी एम होना चाहिए तो लेस दैन टेन पी पी एम सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखें फोटो केमिकल पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन फोटोकेमिकली स्मॉग में जो होते हैं बेटा सोपन सेकेंडरी पोलूटेंट भी हम लोग कहते हैं ओजोन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और पैन पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द द्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ अवास पास इन द ईयर बताइए भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था नाइनटीन एटी सेवन में ये बेटा बहुत ही आसान चीज़ है ऐसे याद रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखें विच वन ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच ठीक है फोसल फ्यूल पावर रिलीज सीओ सही है न्यूक्लियर पावर रेडियो वेस्ट सही है सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट नो सोलर एनर्जी की नहीं बल्कि गैसेस की वजह से होता है बायोमास जब बर्न करेंगे तो सीओ तो रिलीज ही होगी यानी थर्ड बेटा इसका जो है मिसमैच है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन देखे नाइनटी एटी फोर भोपाल गैस ट्रेटजी लुक्स प्ले टुक प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट क्योंकि जब भोपाल ट्रेटजी हुई थी बेटा जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है रिलीज हुई थी उस वक्त जो मौसम था वो विंटर था और विंटर के वक्त तो उसमें बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी क्योंकि अब विंटर है तो जो फॉग आ रहे थे उसमें वाटर था ठीक है ना तो गैसेज जो है वाटर से रिएक्ट करके और ख़तरनाक रूप ले ली थी अब इसमें उसके बाद जो है मिथाइल आइसोसाइनेट ऊपर नहीं उठ पा रही थी फॉक की वजह से ये ज़मीन से सरफेस से ऊपर नहीं उठ पाई ज़मीन के नीचे ही जितना फैलना था एरिया को कवर किया इसने तो सात से आठ आठ किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया था ठीक है अगर यही मौसम दूसरा होता तो शायद जो है सात से आठ किलोमीटर का एरिया ना कवर करती बल्कि वो ऊपर जो है हवा ऊपर इन्वामेंट में चली जाती तो लोगों की जान बच सकती थी ठीक है तो बेटा इसका जो है रिएक्टेड विद वाटर यानी फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी देखें इक्वलाई इज़ यूज एज एन इंडिकेटर इंडिकेटर ऑर्गन टू तो डिटरमाइन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद ठीक है इक्वलाई जो होती है वो पॉल्यूशन इंडिकेट करती है पॉल्यूशन ऑफ वाटर तो फीकल मैटर को ठीक है और एयर इंडिकेटर जो होता है पॉल्यूशन का वो होता है लाइकेन वो भी एस टू का ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखे वाट इज द बीओडी बीओडी क्या है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाईज बाई वाटर दूसरा है अमाउंट ऑक्सीजन यूटिलाईज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यस इसको हम लोग बेटा मेजर करते हैं वन लीटर ऑफ वाटर में कितने में वन लीटर ऑफ वाटर में ठीक है क्वेश्चन नंबर यानी सेकंड ऑप्शन होगा थर्टी टू देखें डी डी एग शेल थिनिंग इन दर्ड बिकॉज इट इनहिबिट्स ये क्या करती है बेटा इनहिबिट करती है कैल्शियम एटीपीएस को ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखें विच ऑफ दीज कैल मोडलिन प्रोटीन इट इज अ बाइंडर ऑफ ठीक है बाइंडर ऑफ द कैल्शियम ठीक और क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखें विच ऑफ दिज पॉल्यूशन रिलेटेड टू दुपेशनल हेल्थ हजार इसमें बेटा जो है अगर आ, मैं देखूं तो पहला है न्यूमोकोनियोसिस न्यूमोकोनियोसिस के अंदर जितनी डिसीजेज़ हैं ऑक्यूपेशनल सारी आती हैं बेटा चाहे सिलिकोसिस हो चाहे एस्बेस्टोसिस हो चाहे बेगोसिस हो चाहे बिसिनोसिस हो चाहे जो है सिलिकोसिस हो चाहे एस्बेस्टोसिस हो सब आती है न्यूमोकोनियोसिस के अंदर ठीक और इसमें जो ऑप्शन है मुझे बिल्कुल गलत अस्थमा हो गया फ्लोरोसिस हो गई ठीक है अस्थमा भी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हो जाता है बहुत सारे लोगों में पोलन की एलर्जी की वजह से हो जाता है बहुत सारे लोग काम कर रहे हों ऐसी जगह जहाँ पे जो जह है बहुत सारे प्लांट हो, ठीक है तो इसमें सिलिकोसिस भी है और नीमोकोनियोसिस भी है ठीक है तो नीमोकोनीोसिस इज़ द बेस्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे लेकिन सिलिकोसिस दिया हुआ है इन दोनों में बेटा बहुत ज़्यादा वो है अगर नीमोकोनीसिस के अंदर देखा जाए तो सारी ऑक्यूपेशनल ऑकोपेशनल डिसीज आती हैं ठीक है ना और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हजार डिस एक दिया है सिलिकोसिस नीमोकोनीसिस के अंदर सिलिकोसिस आती है ठीक है ना तो इसमें बेस्ट ऑप्शन मैं खुद नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ ठीक तो आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन अगर हटा दिया जाए एक तो सिलिकोसिस लगा देंगे सिलिकोसिस हटा दिया जाए तो नीमोकोनीोसिस लगा दूंगा मैं ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट्स रिफर्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पहला है कूलिंग ऑफ अर्थ नो हीटिंग ऑफ अर्थ ट्रैपिंग ऑफ द यू वी रेज नो प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स नो वार्मिंग ऑफ अर्थ यस ग्रीन हाउस इफेक्ट बिल्कुल ग्लास लाइक स्मॉल ग्लास लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक बार सनलाइट चली गई तो दोबारा निकल नहीं पाती है इसको हम लोग विंटर वाली जगहों पे यूज़ करते हैं क्रॉप के लिए ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लाइकली टू हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ द इन बॉडी अगर हम लोग देखें डी टी की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा टॉप कॉर्नि में होगी बेटा क्योंकि मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है ट्वेंटी फाइव पी पी एम होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं बेटा पैन होता है सोपन याद रखिएगा आप सोपन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन ठीक है पैन पर ऑक्सीस्टाइल नाइट्रेट ये आप जो है केमिस्ट्री का एनवायरमेंटल चैप्टर जरूर पढ़िएगा यहाँ से आपको फायदा मिलेगा ठीक है ये सब चीज़ें वहीं से हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन देखें -डी, डी डी टीज डी डी टी क्या है पैरा पैरा डायमे डाइफेल ट्राइक्लोरोन डी डी टी का फॉर्मेशन तब होता है जब क्लोरल के रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं दो मूल क्लोरोबेंजीन के साथ तो डी डी टी का फॉर्मेशन होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है ठीक है और दो बायोडिग्रेडेबल जो है पॉलीमर के नाम बताइए मुझे आप लोग ठीक है ये हो सकता है इस बार आए आपसे पूछा जाए ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट देखते हैं हम लोग विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज मोर स्टेबल इन द इनवामेंट डीडीटी ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन देखें इफ देयर वाज सी टू इन द अर्थ एटमोसफियर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सर्फस वुड बी अगर सीओ नहीं है तो हीटिंग नहीं होगी इफेक्ट उतना इफेक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर लेस होगा दैन प्रेजेंट जो आज का एवरेज टेम्परेचर उससे कम होगा अफाम ओशंस सर्ज ऑफ करंट एंड रीऑकरिंग एवरी फाइव टू एट ईयर्स सो इन द फील्ड ऑफ ईस्ट पैसिफिक साउथ अमेरिकन इज वाइडली नॉन एज नीनो इफेक्ट होता है बेटा ठीक है ऑर्ट क्लाइमेटिक चेंज इल एनो इफेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखें हाउ डज दार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनर्स गैस लिमिटेड बाईमोबाइल दी ट्रांसपोर्ट ऑफ दू द बॉडी टिश्य बाई डिस्ट्रॉइंग दिमोग्लोबिन बाई फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड विद हीमोग्लोबिन कार्बॉक्सी हीमोगलोबिन बना लेता है ठीक है जिससे जो है बेटा ऑक्सीजन की बाइंड ऑक्सीजन नहीं बाइंड कर पाता है अगर हम लोग देखें सी ओ टू सी ओ सी ओ टू और ओ टू में CO की जो बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ होती है बेटा ये 250 टू 300 टाइम्स होती है अगर हम लोग सी की बाइंडिंग कैपेसिटी देखें ट्वेंटी फाइव टाइम्स होती है ठीक है किससे ऑक्सीजन से क्लियर है बेटा तो ये यानी बहुत ही ख़तरनाक पॉइजन है अगर CO पॉइजनिंग होती है तो हमारी जो स्किन होती है ब्लू कलर हो जाती है ठीक है ना अब हम लोग बात करते हैं बेटा यानी इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा फोर्टी टू देखें फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कास्ड बाई फॉस्फेट रॉक ओनली एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स ओनली यस सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देखें सी ओ टू कंसनट्रेशन द एटमोसफेयर एयर इज अबाउट जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर परसेंट होता है नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट होता है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट होता है जैसा कि आपको पता है अब यहाँ पे एक सवाल मैं पूछ लूंगा नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा क्यों होती है 78 परसेंट क्यों होता है क्योंकि बेटा नाइट्रोजन में स्ट्रॉन्ग ट्रिपल क्वालेंट बॉन्ड होते हैं जिसको तोड़ना मुश्किल है ही नामुमकिन होता है ये तब ब्रेक होता है जब कभी भी जो है बारिश जो होती है वो थंडरिंग के साथ हो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के साथ हो तब ये बॉन्ड टूटते हैं जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एच एन ओ थ्री का फॉर्मेशन होता है जो कि एक एसिड होता है जिससे हमारी स्किन जैंथोप्रोटिक टेस्ट देता है येलोइश कलर की हो जाती है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म डेट रिप्रेजेंट पॉल्यूटेड वाटर इज इक्वलाई होता है बेटा ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स देखें सीवेज ड्रेन इन टू वाटर बॉडीज किल फिशेस बिकॉज इट इंक्रीज दिश फॉर ऑक्सीजन जब ये ऑर्गेनिक मैटर जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी ऑक्सीजन कम होगी तो फिशज ले नहीं पाएंगी तो फिशेज की डेथ हो जाएगी जैसा कि आपने पढ़ा एक टेरर ऑफ बंगाल कहलाता था यह भी सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो करता था ठीक है ना अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन की तो दर्ल्ड दर्स्ट इन्वास वेयर क्रिएटेड बाई एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड मेथाइल गैस ट्रेटी रिस्पेक्टिवली पहला जो था बेटा वो यूक्रेन में था 1986 भोपाल ट्रेट 1984 में हुआ था क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखें मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रीन हाउस टू दर इज यूएसए कौन है बेटा यूएसए फोर्टी नाइन ताजमहल की वजह से क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखें वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम वीड इज इकॉर्निया इकॉर्निया का नाम इकॉर्निया इकॉर्नियाप ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ इसका नाम होता है ठीक है पिस्टिया इकॉर्निया एक कॉर्निया जिसको टेरर ऑफ़ बंगाल कहते हैं क्योंकि बहुत सारी फ़िशस की डेथ हो गई थी जो बंगाल में था वो मेन प्रोडक्शन फिशरीज़ का है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ होने की वजह से जो है हम लोगों ने इसका नाम रख दिया था टेर ऑफ बंगाल ठीक तो बेटा ये ज़रूर पढ़िएगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आएंगे ये इसी से आएंगे ठीक है तो इकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बारह क्वेश्चन आएंगे आउट हैं बेटा बहुत ही आसान है ऐटलीस्ट ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्वेश्चन इससे आएंगे और प्लांट फिजियोलॉजी से भी इतने ही आएंगे एनिमल फिजियोलॉजी से भी इतने आएंगे लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी में चैप्टर ज़्यादा हैं प्लांट फिजियोलॉजी में भी चैप्टर ज़्यादा हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए ठीक है और सिलेक्शन लीजिए ठीक है हमें उम्मीद है कि आप सेलेक्ट होंगे अच्छे से पढ़ाई करिए ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग